भारत में पुराने समय से ही बहुत सारे धार्मिक त्यौहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक है जन्माष्टमी। देश भर में जन्माष्टमी के त्यौहार को बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, दूसरे देश जैसे कि न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और कैनेडा जैसे बड़े विकसित देशों में भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए आज की इस वीडियो में जन्माष्टमी की कुछ रोचक बातों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म उनके मामा कंस के महल में एक काल कोठरी में हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव की शादी के बाद से ही कंस ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब श्री कृष्ण के माता पिता की शादी हुई थी तो उस समय आसमान में एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके मुताबिक माता देवकी की 8वीं संतान महाराज कंस का वध करेगी, और इसी भविष्यवाणी के बाद से ही कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी बना लिया था, और उनकी जब भी कोई संतान पैदा होती थी तो कंस उसे तुरंत मार देता था। कंस अपने आप को बहुत ही बलशाली समझता था और इसीलिए वो माता देवकी की सभी संतानों को मारकर उस दिन की भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। और ऐसे ही समय गुजरता गया और एक एक कर कंस ने माता देवकी की 7 संतानों को जन्म के बाद तुरंत मार दिया था, और जब उनकी 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता वासुदेव ने श्री कृष्ण को कंस से बचाने के लिए अपने मित्र नंद को सौंप दिया। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में सिर पर रखकर यमुना नदी को हिला देने वाले भीषण तूफान को पार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र नंद के पास पहुंचाया। इसके अलावा सांपों के देवता ने तूफान से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की और वासुदेव को उनके रास्ते में मदद की। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को गुप्त रखने के लिए वासुदेव नंद की बेटी को अपने साथ ले आए जिससे कंस को उन पर शक ना हो, लेकिन जैसे ही कंस ने उनके हाथों में 8वीं संतान को देखा तो कंस उसे मारने के लिए आगे आया, लेकिन जैसे ही कंस उसे मारने वाला था तभी बादलों में एक और भविष्यवाणी हुई और नंद की बेटी जो योग माया और भगवान विष्णु की मायावी शक्ति का अवतार थी ने कंस को चेतावनी देते हुए भविष्यवाणी की कि उसका काम उसकी मृत्यु का ताज लेकर आएगा और वे माता देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। वृंदावन में पले बड़े श्री कृष्ण को माखन मिश्री इतनी अधिक पसंद थी कि वे दूसरे लोगों के घरों से इसे चुराते हुए पकड़े भी जाते थे, इसलिए भगवान को खुश करने के लिए माखन मिश्री को आज भी जन्माष्टमी के सबसे लोकप्रिय प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। जन्माष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण को दूध, घी और पानी से स्नान कराया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अभिषेकम के रूप में जाना जाता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसे मंदिरों और घरों में किया जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन को मथुरा और वृंदावन में नंद उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन की विशेषता 56 प्रकार के भोजन है जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर कर्ण की याद में 56 खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जहां भगवान कृष्ण ने गोकुल के लोगों को भगवान इंद्र द्वारा की गई बारिश के प्रकोप से बचाने के लिए पूरी पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। बारिश रुकने के बाद लोगों ने जश्न मनाया और श्री कृष्ण को 56 व्यंजन चढ़ाए।